इस रेसिपी को देखने के बाद तो आप इतने हैरान हो जाएंगे कि यकीन ही नहीं होगा आपको अपनी आंखों पर, क्योंकि आज बनाने वाले हैं पके आम की बहुत ही स्वादिष्ट से हलवे की रेसिपी। और इसमें ना तो कॉर्नफ्लोर डाला है, ना आटा डाला है, ना मैदा। बहुत ही आसानी से और इतने सॉफ्ट हैं कि मुँह में जाते ही बस पिघल जाए। एक बार आप इस रेसिपी को देख लिया ना तो बनाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है कि आप बार बार बनाने वाले हैं। तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की। तो ये सुपर डुपर टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सी मैंगो हलवा की रेसिपी बनाने के लिए मैंने दो मीठे आम लेने हैं। हमें एकदम पके हुए और मीठे आम का चुनाव करना है। अगर आम थोड़े खट्टे होंगे या मीठे नहीं होंगे तो आपकी रेसिपी में वो बढ़िया वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए आप मेक श्योर हो जाएं कि आपकी जो आम यूज़ कर रहे हैं वो एकदम मीठे हैं। तो आप चाहें तो अल्फोंसो आम ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं, या फिर दशहरे भी ले सकते हैं। आपके इलाके में कौन से आम मिलते हैं हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर दो आमों को अच्छे तरीके से धो करके छील करके इस तरीके से सारा पल्प निकाल लेंगे, और आप चाहें तो मैंगो की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ मैं दो ही आम ले रही हूँ, उसी हिसाब से हम सारी चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। तो मैंने सारे आम को काट लिया है। अब लिया है एक मिक्सी का जार बड़ा सा, और इसमें हम ये सारे पल्प को डाल देंगे। और बहुत सारे रेसे वाले आम भी यूज़ नहीं करने, जैसे जो लगना आम होता है ना उसमें बहुत सारे रेसे होते हैं, तो वैसे आम का हमें यूज़ नहीं करना है। बस हमें पल्पी आम और अच्छे खासे मीठे आम का चुनाव करना है। तो सारे आम को मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप चीनी। यहाँ पर आम काफ़ी मीठे हैं इसलिए मैं आधा कप ही चीनी का यूज़ करूँगी। अगर लगे कि आम हल्के मीठे हैं तो आप चीनी को ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दो से तीन इलायची को अच्छे से कूट कर डाला है, कूट कर ही डालना है। अगर आप साबुत डाल देंगे तो इलायची के दाने अच्छे से पिसेंगे नहीं और उसमें छोटे छोटे काले काले से दाने दिखते रहेंगे जब आप हलवा तैयार करेंगे, इसलिए उसको कूट कर डालिएगा। बढ़िया सा फ्लेवर और कलर देने के लिए मैंने आधे टीस्पून के आसपास केसर के धागे डाल दिए, ज़्यादा नहीं, लगभग 15 से 20 धागे डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। एक कप मैंने पानी डाल दिया है, और अब चलिए मिक्सी को रोक रोक कर एकदम स्मूथ सा पेस्ट हम इसका तैयार करना है। तो यहाँ मैं अभी एक ही कप पानी डाल रही हूँ, चलिए इसको पीस लेते हैं। इस रेसिपी में हमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, तो चलिए अब इसको पीस लेंगे। तो देख सकते हैं आम का हमारा पल्प बहुत ही बढ़िया खुशबूदार और टेस्टी सा तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से मैंने इनको पीस लिया है। अगर छोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं या दोबारा पीसने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में कुक करने वाले हैं। तो चलिए ये जो पल्प हमने निकाला है, पीस कर रखा है, उसको हम अलग बोल में निकाल करके साइड में रख देंगे और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा मिक्सी के जार में हम पानी डाल के इसको और ऐड कर लेंगे ताकि हमारा जो मैंगो का पल्प है वो थोड़ा पतला हो जाए। तो मैंने टोटल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है इसमें। अच्छे से मिला लीजिए और अभी इसको साइड में रख देते हैं। और अब इस मैंगो हलवे को गाढ़ा बनाने के लिए मैंने लिए है सूजी। ये बहुत ही बारीक वाली जो सूजी आती है ना वो है, अगर मोटी वाली है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास ये जो छोटे दाने वाली सूजी है इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीक करेंगे। एकदम दानेदार सूजी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हलवे में सूजी का टेक्स्चर दिखेगा, जो उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में। इसलिए हम क्या करेंगे, एक साफ़ और सूखा मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम आधा कप सूजी ऐड करेंगे। ध्यान रहे 2 कप आम के पल्प के साथ हमें आधा कप सूजी लेना है। चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए मिक्सी को 2 बार चलाने के बाद ये थोड़ा सा बारीक वाली सूजी की तरह हो जाता है। अगर आप मोटी सूजी लेंगे तो ये थोड़े से कोर्स हो जाएंगे। हमें क्या करना है, इनको एकदम बारीक करना है। तो मैंने 2-3 बार और चला लिया है और ये थोड़े से हल्के सॉफ्ट से हो गए हैं, मतलब जो दाने थे वो एकदम छोटे हो गए हैं। यूँ कहें तो चावल के आटे की तरह इसका टेक्स्चर हो गया है, बहुत बारीक नहीं किया है हमने। चलिए अब इसको हम कुक करेंगे, कैसे कुक करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौड़े मुँह का और भारी तली का बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे घी। अब आप बोलोगे सारिका तुम्हारा ये घी बहुत येलो है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये घी मैंने घर पे तैयार किया है। ये केसर वाले घी से बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है, किसी भी रेसिपी में आप डालेंगे ना तो बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास जब मैं ये वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी डाला है, और घी हमारा जैसे ही हल्का गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे ये सारी पिसी हुई सूजी, और इसको हम अच्छे तरीके से घी में मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए कि जो फ्लेम है वो एकदम कम रखिएगा, नहीं तो सूजी अच्छे से भुनेगी नहीं और जल जाएगी वो अलग। तो धीमे धीमे से हम इनको मिलाएंगे, और घी इस रेसिपी में बहुत ही कम यूज़ होता है। मैंने 2 से 3 छोटी चम्मच के आसपास घी ऐड किया है, और देख सकते हैं सूजी बढ़िया से मिक्स हो चुकी है इसमें। अब इसी स्टेज पर हम फ्लेम को कम ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए सूजी को एकदम बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक भुनेंगे, ताकि जो सूजी के दाने हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और बढ़िया सा प्यारा सा कलर आ जाए। धीमी आंच पर इन्हें भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और जो सूजी के दाने हैं वो धीरे धीरे से कुक होना स्टार्ट हो गए हैं।
और धीमी आंच पर ही भुनना है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा एकदम गुलाबी सा कलर आने लगा है, तो एक दो मिनट और इनको भून लेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, अच्छी तरीके से सूजी के दाने तैयार हैं। इसकी खुशबू से ही आपको पता लगेगा कि ये बढ़िया से कुक हो चुके हैं, एकदम अलग सी खुशबू आने लगेगी। तो देख सकते हैं बढ़िया से तैयार हो गया है। तो अब हम फ्लेम को एकदम कम कर देंगे, जितने में ये बंद ना होने लगे उतना एकदम कम करना है। और उसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ ये मैंगो का पल्प। तो ये पूरा ही पल्प मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आधा कप सूजी के साथ। आप चाहें तो सूजी की मात्रा को और घटा सकते हैं और आम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आधी छोटी चम्मच घी मैंने फिर से ऐड किया है। और अब इस पल्प को सूजी में हम बढ़िया से मिलाएंगे, फ्लेम को एकदम कम रखें या फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ताकि जो आम है वो बढ़िया से कुक हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि सूजी कितना जल्दी से नमी को अब्सॉर्ब करता है, तो अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जल्दी से ये गाढ़े हो जाएंगे और आम का जो पल्प है वो बढ़िया से पकेगा नहीं। तो फ्लेम को कम करके इसको चलाते रहें जब तक कि सूजी अच्छी तरीके से पल्प के साथ मिक्स ना हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है। तो जैसे जैसे आम का पल्प गर्म होगा ये थोड़ा सा बाउंस करेगा, मतलब उछड़ने लगता है। तो हम क्या करेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि सूजी अच्छे से कुक हो जाए और आम का पल्प भी। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बाउंस हो रहा है। अगर आप ढक्कन हटा के पकाएंगे तो इसके जो छींटे हैं वो आपके ऊपर पड़ सकते हैं, इसलिए ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये बाउंस होना बंद हो जाए तब हम फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और ढक्कन हटा के इसको फिर से एक बार चला लेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी गीला है लेकिन सूजी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। तो एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे और खुला ही हम लगभग 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि जो मैंगो का पल्प है वो पूरी तरीके से कुक हो जाए। जैसे से कुक होगा ना वैसे ही इसमें टेस्ट बहुत गजब का बढ़ेगा। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी और ऐड करेंगे। मैंने छोटी चम्मच का यूज़ किया है तो 2 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ मैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, लेकिन मैंगो का पल्प का घी के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जब आप इस हलवे में यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं इनको चला रही हूँ, फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे और जब तक ये गाढ़ा नहीं होता यानी एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं आता तब तक हम इसको कुक करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट इनको पकाया है मैंने। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। मैं इसको चला के आपको दिखा रही हूँ। तो इस स्टेज पर आप चाहें तो ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसमें ढेर सारे मैंगो का ही फ्लेवर चाहती हूँ, इसलिए बहुत सारे नट्स का यूज़ ना करके सिर्फ थोड़े से चॉप किए हुए काजू डालूंगी। तो लगभग 7 से 8 काजू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। आप बस एक बार इसका टेक्सचर देख लीजिए, इस स्टेज तक आने के बाद ही आप समझिएगा कि आपकी जो हलवे हैं वो बढ़िया से कुक हो चुके हैं। चलिए आप चाहें तो इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। मैं इस रेसिपी को थोड़ा ठंडा करूँगी ताकि मैं इसको लगभग 1 सप्ताह तक स्टोर कर सकूँ। उसके लिए मैंने घी लगी एक थाली ली है, बढ़िया से चिकना कर लिया है और इसमें हम ये सारे हलवे का मिक्सचर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको फैला लेंगे इस थाली में। आप इसको अगर तुरंत खाना चाहते हैं तो तुरंत भी गर्मा गर्म ये अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा करके रखेंगे ना तो ये खाने में भी मज़ा आएगा इस गर्मी में। और आप इसको लगभग हफ्ते भर स्टोर तो कर ही सकते हैं। अच्छी तरीके से मैंने इनको बराबर कर लिया है, थोड़ी देर के लिए इसको प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दें या फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर में ये सेट हो जाएंगे। या फिर आप चाहें तो छोटी छोटी कटोरियों में भी इस तरीके से भर के और रख सकते हैं, जिसका लुक बहुत अमेजिंग लगता है। तो मैं इनको इस तरीके की प्लेट में भी भर के आपको दिखाऊंगी, ये देखें इस तरीके से इनको डाल करके रख सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी कटोरी में भर लें और इस तरीके से इसको प्लेटफॉर्म पे रख दें। बढ़िया से सेट होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और लगभग आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं जो हलवा है बढ़िया से जम गया है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है ना कि मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रहा है। तो मैं इसको बर्फ़ी के शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। आप अपने पसंद के जैसे आपको अच्छे लगे उन टुकड़ों में आप इनको काट लें और इनको निकाल करके किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रखें। बिल्कुल ख़राब नहीं होते, हफ्ते तक आप इसको खा सकते हैं, लेकिन इतने टेस्टी है ना कि आप हफ्ते भर इसको रहने नहीं दोगे। ये देखें आप इसका टेक्सचर देखिए, लग ही नहीं रहा है कि आपने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल आम का ही फ्लेवर लगता है, पता ही नहीं चलता है कि सूजी का हलवा है। इतना मज़ेदार है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा। अब जो छोटी सी कटोरी में हमने जमाया था आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत अमेजिंग है। तो इसको मैं थोड़े से गार्निश करूँगी काजू के टुकड़ों से और पिस्ता के कटिंग से और इस तरीके से इनको सजा सकते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो
कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इनको खाने में आपको दांतों की भी ज़रूरत नहीं है, इतने सॉफ्ट ये हलवे बनकर तैयार होते हैं बिना कॉर्नफ्लोर और बिना किसी आटे का इस्तेमाल किए। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, देखना आपको ये बहुत पसंद आएंगे। मैंगो की और भी नई नई रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया है, जाकर उन्हें भी ट्राई कीजिए। आई होप आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। मुझे अपना प्यार देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।